दिनांक 23 सितंबर को थाना शासनी क्षेत्र अंतर्गत एक स्कॉर्पियो सवार बदमाशों द्वारा एक वैगनार लूट की घटना कारित की गई थी, जिसमें वादी की तहरीर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। मुखबिर खास द्वारा सूचना दी गई कि उस घटना में शामिल बदमाश आज पुनः कोई गंभीर घटना को अंजाम दे सकते हैं। इस सूचना पर थाना शासनी पुलिस द्वारा चेकिंग की जा रही थी। सामने से आती हुई स्कॉर्पियो कार को जब रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाशों द्वारा पुलिस बल पर जान से मारने की नियत से फायर किया गया। पुलिस द्वारा आत्मरक्षात किए गए फायर में दो बदमाश घायल हुए हैं, जिनका नाम आकाश और सुरेश है। इनको इनके कब्जे से अवैध असलाह बरामद किया गया है। इनको उपचार हेतु बागला चिकित्सालय रवाना किया गया है। इस मुठभेड़ में तीसरा बदमाश मिंटू भी गिरफ्तार हुआ है, जिसकी निशानदेही पे घटना में लूटी गई वैगनार कार बरामद की गई है। इस घटना में लूटी हुई कार और घटना में प्रयुक्त स्कॉर्पियो कार और अवैध असलाह बरामद किए गए हैं। पुलिस द्वारा अभियुक्तों की गिरफ्तारी और बरामदगी के संबंध में अग्रेतर विधिपूर्ण कार्रवाई की जा रही है।